नमस्कार, सुब्रतास किचन को आपमनको बहुत बहुत स्वागत। आज आम भेज मोमो आ मोमो सहित खिया जाउथिबा राग चटनी बनेबा। तो मु आपनको ए वीडियो रे चारि प्रकार मोमोर डिजाइन देखेबी। तो आपनको जोटा इजी लागिबो बा जोटा आपनको भल लागिबो आपन सेम डिजाइन रो मोमो बनै परिबे। तो रेसिपी गुडी हेल्पफुल लागथिले लाइक आ शेयर करंतु, आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनियंतु। तेबे आ देरी न करी चालंतु वीडियो टिकु देखिनबा। फर्स्ट आम मोमो पाई डो बनैबा, से मु गोटे मिक्सिंग बाउल रे गोटे कप मैदा दे दोची। एबे एथिरे आम 1/4 टीस्पून लुण देद स्वाद अनुसार लुण देदेबे। एबे एथिरे आम आवश्यक अनुसार अल्प अल्प पानी देके गोटे डो बनैबा। तो ये डो को आमको बेसी सॉफ्ट कि बेसी टाण बनैबार ना, तो डो को ये आपड़ सेमी सॉफ्ट रखिबे। तो ये देखिपे मु डो को भल भाव चकटी नहीं, और यहाँ देखते ये कितनी सॉफ्ट अच्छी। तो यह डो बनने ने लास्ट एमें किसी ड्रॉप रिफाइन तेल देखिए चकटी ना। तो डो को एमें कभर करी 15 मिनिट पर्यंत रेस्ट पाई छाड़ा। ता भितर आम मोमो पाई स्टफिंग बनई ना, से मु गोटे कड़े को गरम करके से गोटे बड़ चमच रिफाइन तेल दे दूँ। आल भल भाव गरम होगापर ये मु हाफ इंच अदा 3-4 कुला रसुण और गोटे कंचा लंका को छेची नहीं थी ताकूँगी। या जगह आपण अदा कंचा लंका और रसुण को छोट छोट कर काटिक नहीं पारे। तो ये अदा कंचा लंका रसुण फ्राए हो गलापर ये मुझे 1.5 कप पखापाखि बंधाकोबी को पूरा छोट छोट कर काटि नहीं, गोटे छोट गाजर को ग्रेट करके आप गाजर को छोट छोट कर काटिक नहीं पारे। गोटे मीडियम सैज्र पिज को छोट छोट कर काटि नहीं। तो फर्स्ट से आम कटा पिज देद आ पिज को हाल्का फ्राए कर ना। तो पिज ये फ्राए हो गला कटा बंधाकोबी और ग्रेट कर रखि गाजर को देदे। ए बंधाकोबी को आम 2-3 मिनिट पर्यंत फ्राए करवा। तो ये बंधाकोबी हाल्का हाल्का सॉफ्ट हो गला। एम स्वाद अनुसार लुण देद आल फ्लेवर आसवापी मुझे 1/3 टीस्पून गरम मसला दूची, किंतु यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल अच्छे आपड़ चाहिए आपको स्किप करें। 1/2 टीस्पून सोया सॉस और 1/2 टीस्पून विनेगार देके हमें सब को भल भाव मिक्स करनवा। एवं एथिरे 1/2 टीस्पून गोलमरीचर गुंड दे दूँ और सब को भल भाव मिक्स करनवा। आठ आमर मोमो पाई स्टफिंग रेडीगला। एवं आपको आम था हाँपाई छाड़ा, ता भितर आम मोमो पाई चटनी बनवा। तो से मु गोटे पैन रे गोटे कप पखापाखि पानी को गरम हाँप रखी, आठ मुझे 5 टा शुखिला लंकार मंजी को बाहर करादारा चटनी बेसी राग हेनी। आठ 2टा मीडियम सैज्र टमाटो को भलसे धोईकी मझीर 2 खंड कर रखी। तो फर्स्ट आम पानी रे शुखिला लंका को देकी 2 मिनिट पर्यंत सीझे नवा। 2 मिनिट पर आम ए कटा टमाटो को देद कभर करम फ्लेम रे आउ 2 मिनिट पर्यंत सीझे ना। तो 2 मिनिट पर आप देखिपे टमाटोर चोपा बाहरी आसला। तो यह पर्यंत ही सीझे। एवं आम पानी छाणिकी टमाटो आ शुखिला लंका को बाहर कर ना, आ गोटे प्लेट रखिकी ताको थंडा हाँपाई दबा। तो ये मु टमाटोर चोपा को बाहर करापर आम ग्राइंड कर ना। तो ये आप देखिपे मु टमाटो आ लंका को पूरा चिकन करके ग्राइंड कर नहीं। गोटे प्यान को गरम करके गोटे छोट चमच रिफाइन तेल देद आल भलसे गरम होगापर 3-4 कुला रसुण को मुझे पूरा छोट छोट कर काटि नहीं ताकूँ, और रसुण को आम हाल्का फ्राए कर ना। तो रसुण ये फ्राए हो गलापर आम बाटिक रखि टमाटो आ लंका को देद मीडियम फ्लेम रे 1 मिनिट पर्यंत कुक करवा। एवं स्वाद अनुसार लुण 1/2 टीस्पून चीनी जहाद्वारा हाल्का मीठा लगे, आउ 1/2 टीस्पून सोया सॉस आउ 1/2 टीस्पून विनेगार देद। आपड़ विनेगार जगह लेंबूर रस देपारती। ए सब को भल भाव मिक्स करके समय पर कुकर ना। तो ये आम मोमो पाई चटनी रेडीगला, आपको ये आम सैड कर ना। आउ डो रेस्ट करिबार एठी पाखापाखी 15 मिनिट हो जाइए। डो को आउ टिके नीड करके से लेंबू साइज रो गुला बनई ना, आ गुला को हाथ रे टिके स्मूथ कर ना।
तो बेलवा बेले इजी हाँपी मुझे किसी सुखा मैदा देके आपको बेली नौ तो आपको ये पूरा पतला करके बेलिबे मोमोर एपर जिते पतला हम मोमो खाइबापी से टेस्ट लगे सेम प्रोसेस रे इटी मुझे किसी बेली नहीं गोटे बेली रखि पूरी को नहीं जा तार सेंटर रे डेढ़ चमच पखापाखि स्टफिंग देद और स्टफिंग यमर थंडा हो जाए तो स्टफिंग दे सारापर आप देखते मुझे मोमो को फोल्ड करुच्ची तो गोटे उपरे गोटे प्लेट देवे देखु ये भाया तो एमती करी करी पूरा लास्ट पर्यंत आम गोटे उपरे गोटे प्लेट दे चल लास्ट ताकू देखते एमती टिके मोड़ी देवे तो ये आमर गोटे डिजाइन रोमो रेडीगला तो आउ गोटे डिजाइन रोमो बनवाई मुझे बनई रखी पूरीर सेन्टर में किसी स्टफिंग आ गोटे पाखकू गोटे प्लेट आपड़ी दुई पटर देदेवे आमती अल्प कर सारापर आपड़ दुई सैड्रुक भल भाव बंद करने तो ये आम सेकेंड डिजाइन रोमो रेडीगला तो थर्ड डिजाइन रोमो बनवाई एमती गोटे पाखकू गोटे प्लेट देवे लास्ट देखु आमती अधा दे सारापर दुई पटर ताको भलसे चिपकईदे तो ये आउ गोटे डिजाइन रोमो रेडीगला तो देखु ये टाइप रोमो बनवाई आपन को किसी भी करार ना जमी आम करंजी पिठा बनई था आपको फोल्ड करने तापर तार दुई एंड को भल भाव एमती चिपकईदे तो यहाँ भी देखो के सुंदर डिजाइन होगा ये मुझे मोमो को बनई नहीं स्टीम करवा से स्टीमर में कि पानी को गरम होगापी रखिदी आहाँ आम मोमो को थोबा ताकूम भल भाव रिफाइन तेल ग्रीस कर नवा आमो को आम टे छाड़ी छाड़ी कर रखा तो ये मुझे सब मोमो को स्टीमर में देदेगी एबे आपको हमें कवर करके मीडियम फ्लेम रे पाखापाखि 10 मिनिट पर्यंत सिझेबा तो 10 मिनिट पर देखते मुझे लिड ओपन करुच्ची मोमो आमर ट्रांसपेरेंट देखा गला मोमो एमती ट्रांसपेरेंट देखा गले ही आपण जानिबे मोमो भलसे सिझी जाइछि तो एबे आपको हमें गरमा गरम ही सर्व करिबा तो मोमो को बिल्कुल भी थंडा करके सर्व करिबेनी थंडा करके सर्व कले मोमो टाण हो खाइबा बिल्कुल भी भल लगिबनी तो ये मो मोमो को चटनी सहित सर्व करुच्ची तो ये देखो मोमो केते सॉफ्ट है तो ये प्रोसेस रे आप घरे थरे ये भेज मोमो को बनातु आ बन सारापर आपणकर मोमो केमती बनला आपणकर एक्सपीरियंस कमेंट मध्यम जनातु तो पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे थैंक यू।